यहाँ देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हर जगह। और मैं अभी देखिए अंदर है, ये देखिए गाय, ये हाथ से ऐसे। आप लोग उम्मीद हो अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सजा और आप देख रहे हैं मैं सजा ब्लॉग। आप लोगों को एक और ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूं। और आज गांव से 5-6 किलोमीटर दूर जा रहा हूं कैंपिंग करने के लिए। जैसे कि देख सकते हो आप लोग मेरे बाजू में, मतलब मेरे पीछे बैग लटकाया हुआ हूँ और जा रहा हूँ अकेले पहाड़ में कैंपिंग करने के लिए। और चारों तरफ से जंगल ही जंगल है और अकेले हूँ गाइस, कोई किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैं अकेले हूँ घर में और गांव में कोई दोस्त आ आए नहीं है। तो मैं सोचा चलो कैंपिंग करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग को आज कैंपिंग के वीडियो मिलने वाला हूँ। और सुबह का अभी 7 बज रहे हैं और शाम को 7 बजे ही वहाँ से निकलूँगा। 12 घंटे का चैलेंज करूँगा अकेले रह के। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाली है गाइस। वो ज़्यादा थक गए, थोड़ा यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। उतना दूर से चलते चलते आया हूँ और यहाँ थोड़ा देखिए बैठने जैसा मिला है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं कुछ देर, उसके बाद फिर चलेंगे। यहाँ देखिए पूरा इधर देखिए सामने। गाइस अब चलते हैं फिर, अभी आ गए हैं इधर, जगह ढूंढ लिया हर जगह लेकिन नीचे पसंद नहीं है। चलते पहाड़ पर चढ़ेंगे, देखते पहाड़ पर कोई ऐसी जगह कैंपिंग का जगह ढूंढेंगे जहाँ रह सकते हैं। नीचे देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आई, जगह पसंद नहीं आए। तो चलिए पहाड़ पे चढ़ूँगा तो वहाँ के वीडियो दिखाऊँगा कैसे चलते हैं क्या है। अकेले चैलेंज करने वाला हूँ गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। पूरा सुनसान है, कोई नहीं, देखे कि आप लोग को देख सकते हो कि चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती होगी, कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। तो चलिए फिर चलते। तो गाइस अभी कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुका हूं मैं और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। पूरा देखिए पसीना ही पसीना आ रही है और बहुत मेहनत करके जा रहा हूं और अकेले भी हूं। डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन हिम्मत करके ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह जब साथ है तो कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ। और देखिए मैं पत्थरों के बीच आ फंसा हूँ, कितने ऊपर चढ़ गया देख सकते हो आप लोग। ये देखिए गाइज, यहाँ देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है हर जगह। और मैं अभी इतना ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ी दूर और चलना है। यहाँ भी जगह ठीक ही है लेकिन अगर इससे और बेहतर जगह मिलता है तो वहाँ चलूँगा। आप लोग को थोड़ा यहाँ से नीचे की ओर नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना ऊपर चढ़ा हूँ आप लोग को। बने रही वीडियो में, थोड़ा दिखाता हूँ। और काफ़ी डर भी लग रहा है गाइस, पूरा सन्नाटा है, कोई के कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला।
तो फाइनली गाइस अभी जिस जगह के तलाश में था सबसे बेहतर जगह वो जगह आ चुका हूँ मैं, और आप लोग को दिखाता हूँ मस्त में। लगता है मुझे कैंपिंग वाला चीज़ खोलना भी नहीं पड़ेगा, वो सब निकालना भी नहीं लगा पड़ेगा और कैंपिंग भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जगह आ ही चुका हूँ कि पत्थर चारों ओर से अंदर जगह है, तो आप लोग को वो जगह दिखाता हूँ और वहाँ आया हूँ। काफ़ी आप लोग बने रही वीडियो में भी दिखाता, और यहीं अब 12 घंटा चैलेंज करने वाला हूँ यही पहाड़ में। आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर चलिए क्या क्या है ये देखिए, दिखाता हूँ गाइस। यार आइए, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो ये जगह काफी शानदार है जगह गाइस। देखिए आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए ऊपर से पत्थर भी है और मस्त जगह यहाँ रहने के लिए, अगर बारिश भी हो धूप भी नहीं लगेगा, धूप से छांव से। यार ये पत्थर देखिए किस तरह टिका हुआ है, आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ पूरा एक्सप्लोर करके। ये देखिए गाइस अंदर दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए ये पत्थर देखिए किस तरह से बना हुआ, डर भी लग रहा है अकेले गाइस, लेकिन ये बहुत बेहतर जगह है देख सकते हो आप लोग गाइस। ये देखिए पत्थर, देखिए गाइस काफ़ी शानदार जगह है ये, और यह पता नहीं यहाँ क्या होता क्या रहता है वो तो पता नहीं, लेकिन अकेले रहने वाला हूँ यहाँ। देखिए इधर से दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैं पूरा पत्थर के ऊपर चढ़ चुका हूँ। देखिए कितना ऊपर दिख रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है गाइज, और यहाँ से देखिए आवाज़ दूंगा तो पूरा पहाड़ में लोकेगा, काफ़ी शानदार लग रहा है गाइज। एकदम आप भी कभी भी आप लोग को खुला चैलेंज है, अगर चैलेंज ऐसा अगर आप लोग बिता सकते हो पहाड़ में अकेला चैलेंज कर सकते हो 12 घंटे के लिए, तो आप लोग को ये चैलेंज मेरी तरफ से, आप लोग कैंपिंग करके दिखाइए मेरे जैसा गाइज। अब यहाँ हमारा 2 घंटा बीत चुके हैं इस पहाड़ में जंगल में कैंपिंग में, अभी 9:30 साढ़े 9 बज चुके हैं, और अब धीरे धीरे प्यास भी लग रही है। पानी अच्छा हुआ कि 2 बोतल लेकर आए हैं, और कुछ जंगल से खाने को मिल जाएगा तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। और अभी काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ गाइस, अगर आप लोग जैसे देख सकते हो काफ़ी एकदम बियर सीन है, एकदम लवली, एकदम ऐसा सीन कभी नहीं मिलेगा आप लोग को कहीं। और अभी पहाड़ हरा भरा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम और पतझड़ का मौसम है, तो सबसे पत्ते झड़ चुके, नए नए पत्ते उग रहे हैं, इसलिए उतना हरा भरा नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस काफ़ी शानदार, अभी मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं जंगल में अकेला हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता गाइस। लेकिन बने रहे वीडियो में, आप लोग को एकदम VIP वीडियो भी दिखाऊँगा एकदम अकेले चैलेंज। और हाँ गाइस, अगर कोई मेरे यूट्यूबर अगर मेरे वीडियो कोई यूट्यूबर देख रहा है, कोई ब्लॉगर देख रहा है, तो उन लोग को मेरे लिए एक चैलेंज है कि आप लोग अगर कैंपिंग करते हो कोई, तो मेरे ऐसे कैंपिंग अकेले सुनसान जंगल और सुनसान पहाड़ में आकर बड़े बड़े चट्टानों के सामने चैलेंज करके और उनके बीच में रह के दिखाओ,
आप लोग के लिए मेरी तरफ से खुला चैलेंज। तो देखिए गाइज, अभी फ़िलहाल अभी 10 बज चुके हैं और मुझे एक चीज़ मिला है खाने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे गांव के भाषा में इसको कटार बोलते हैं। ये देखिए काफ़ी पका हुआ भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं गाइज। ये देखिए बहुत ज़्यादा फला है, एक पेड़ मुझे मिला, ये देखिए तोड़ता हूँ मैं इसको। तो फाइनली गाइस अब बज चुके हैं 11:30 और अब जा रहे हैं, थोड़ा चाय बनाएंगे। थोड़ा चाय भी पीने का मन कर रहा है तो थोड़ा चाय बना लेते हैं, क्योंकि अभी प्यास भी लगी थी तो पानी उनी पी लिए। थोड़ा चाय वो पीते तो थोड़ा मिजाज फ्रेश रहेगा। तो अभी निकालते हैं चीनी उनी निकाल लेते हैं, चाय बनाएँगे मस्त में। चलिए गाइस अभी चाय बनाते हैं और देखिए मस्त में। गाइस देखिए मैं कप लाने भूल गया, लेकिन देसी तरीका से, ये देखिए सामने देसी तरीका से कप बनाया हूँ, कप लाने ही भूल गया था मैं। अभी दिखाता हूँ, अब पीते हैं देखते हैं। काफ़ी एक नंबर बिस्किट निकालते हैं यहाँ। तो गाइज मैं वो लाना भूल गया, कप लाना भूल गया, तो थाली लेकर आया था एक प्लेट, तो प्लेट में ही चाय रख के पी रहा हूँ और बिस्किट भी खा रहा हूँ। जैसे देख सकते हो आप, बिस्किट भी लाया हूँ, क्या करें भूल गए थे। तो वो थोड़ा जो पीना था वो पत्ता को बना के पी लिए और इसी में खा रहे हैं। खा लेते फिर मिलते हैं गाइज आप लोगों से। काफ़ी गर्मी भी ज़्यादा है, नहीं मज़ा आ रहा है गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। आप लोग भी कभी चाय कैंपिंग नहीं होता आप लोग जानते होंगे। तो चलिए खा लेता पहले चाय वो पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जंगल में कुछ ढूंढने के लिए खाने के लिए सुनने में आया, जंगल में बहुत कुछ मिलता है। यहाँ एक चीज़ मिला भी है, जैसे कभी एक देखे कि मैं खाया था तो कटार हमारे वहाँ भाषा में बोलते हैं। यहाँ देखिए ये फड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, ये इसको बेल बोलते हैं हम लोग, ये हमारे गाँव के भाषा में बेल बोलते हैं। अभी ये तोड़ेंगे, बहुत मीठा लगता है खाने में गाइस। आप लोग को थोड़ा नज़दीक से इसको हिलाएँगे, अभी गिराएँगे इसको तो आप लोग को नज़दीक से दिखा देंगे कि कैसा है। तो अभी चलिए हम ये तोड़ लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हो गाइस, ये देखिए एक यहाँ रहा, काफ़ी शानदार है। ये देखिए गाइस, ये हाथ से तोड़ लूँगा, कांटा भरा है इसमें, ये देख। अबे फूस रे बेगलो लगाओ भाई। ऐसा कबार तो पूरा घाव हो जाए रे। चलो दो किलो लिखा मिले। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि तीन ठोक हिला के गिराया है और बहुत सारा वहाँ रखा हूँ। तो चलिए इसको फोड़ के खाते हैं और दिखाता हूँ कैसा निकलता है इसके अंदर से। काफ़ी शानदार निकलता है, बहुत मेहनत के बाद बहुत सारे जमा किए हैं। तो चलिए दिखाता हूँ।
देखिए गाइस, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, पूरा पका हुआ है माल अंदर से, आप लोग इसे देख सकते हो। ये खाने में बहुत मीठा लगता है जो गाइस, जैसे कि आप लोग खाते हो। आप लोग अगर कभी खाए होगे तो ज़रूर बताना ये कमेंट में, इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं। बहुत गहरा है यार, फंस गया था वहाँ जाके, मैं ट्राई कर रहा था जाने का लेकिन वहाँ फंस गया था गाइस। ये सब बहुत डेंजर गुफा है, देख सकते हो। अभी 10 बज चुके हैं गाइस, और अभी कितना 3 घंटा हो चुका है यहाँ मुझे पहाड़ में रहते हुए, और अभी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन मैं अच्छी जगह है कि एक अच्छी जगह ढूंढ लिया, मुझे वो कैंपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ बोलते यार ये पत्थर है, और यहाँ ठंडक जगह है, ठंडा भी लग रही है, और काफ़ी अच्छा मौसम। मौसम तो ख़राब है, मतलब बहुत गर्मी है, बाहर जाओगे तो इतना गर्मी से कुछ कह नहीं। तो यहाँ देखिए पूरा ठंडक आ रहा है, हवा अच्छा खासा आ रहा है, यहाँ सोने का भी जगह, यहाँ चाहे तो सो सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, हम कैंपिंग से भी अच्छा जगह मिल गया मुझे, तो वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अब यहीं बिताने वाला। तो गाइस अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, मतलब शाम होने वाली है, और तब से यहीं सो गए थे हम। यहाँ देखिए पत्थर सामने, अच्छा खासा पत्थर है, तो वहीं सो गए थे हम। नींद अच्छी खासी लग गई थी, और धूप ऊप तो लगती नहीं थी, सो गए थे। अभी सो के उठे हैं गाइस, और अब जा रहे हैं, भूख भी लग गई है, तो थोड़ा या मैगी लाए तो मैगी बना लेते हैं। अब कितना 4 घंटा जैसा और बचा है, 4 घंटा और कैसे ही गुजारना है, अभी तो 3 तो बज चुके हैं गाइस। तो चलिए, मैं तो 12 बजे 12:30 बजे या तो 1 बजे बनाने वाला था मैगी, लेकिन सो गया था, नींद लग गई थी, इसकी वजह से अब जा रहे बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, भूख लग गई है। उसके बाद तो गाइस मैगी तो बना रहे, लेकिन एक चीज़ में से मिस्टेक हो गया, इसमें तेल लेके नहीं आए, तो पानी ही डाल दिए हैं, पानी से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेल जल्दी जल्दी चक्कर में तेल ही भूल गया, और लाया नहीं तेल, तो देखते हैं अभी क्या होता है, कैसा बनता है मैगी। बना तो कोशिश तो करूँगा अच्छी बनाने की, लेकिन तेल के बगैर तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। और डर भी लग रहा है गाइस, कोई सुनसान जगह कोई है नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3:30 बजने को आया है। तो चलिए
तो गाइस देखिए देसी स्टाइल में ये बांस को काट कर बनाए हैं, चाइनीज के जैसा देख सकते हो आप लोग। इससे उठाने में चम्मच तो लाए नहीं, यही हमारा चम्मच हो गया, इससे उठाने में आसानी है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैगी उगे खा के सब ख़त्म हो गया और काफ़ी अच्छा लगा गाइस। अभी लोग तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे गाइस, और आप लोग के चैलेंज कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। अभी 3 घंटा और बचा है, देखते हैं 3 घंटे में क्या क्या चुनौती आती है, सामना करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलिए फिर थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे और बने रहिए ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइस थोड़ा आराम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे यहाँ बिताए हुए टाइम लगभग कितना 12 घंटे 11.5 घंटा हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं शाम के। देखिए पूरा सन्नाटा दिख रहा है, पूरा शाम होने वाली है गाइस। इधर गाइस ये देखिए, इधर सनसेट होने वाला है, देखिए देख लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा देखिए पूरा सुनसान ही सुनसान हर जगह। जैसे देख सकते हो नीचे थोड़ा देर पहुँचा, बाकी थोड़ा देर और आधा दूर तो उतर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा दूर और बचा है उतरने के लिए, तो चलिए फटाफट उतर लेते हैं, और शाम होने जा रही है गाइस, डर भी लग रहा है। और तो चलिए चलते हैं नीचे, लोग पब्लिक भी शायद है, और अपने दोस्त के फ़ोन करके भी बुलाऊंगा मैं अपने गाड़ी लेकर, और वो आ जाएगा तो उसके साथ ही चले जाऊँगा। तो चलिए मैं नीचे उतरता हूँ। दिखता होगा, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है जो दिख सकता है। ये जो रोड दिख रहा है आप लोगों को, वो मेरा गांव है, तो वहाँ से इतना दूर आए हम। चैलेंज लगभग कंप्लीट होने वाला है गाइस, और काफ़ी शानदार लगा। दिन भर का जो यहाँ रहना पड़ा, आने की 7:00 बजे से अभी 7:00 बजने वाले हैं, और बहुत डर भी लग रहा था, भय भी लग रहा था उस समय। दिन को तो उतना भय नहीं लगा, जैसे जैसे शाम होते जा रहा है गाइस उतना ज़्यादा भय लग रहा है मुझे। और अब बस आधा घंटा और रुकना है, आधा घंटा के बाद यहाँ से निकल जाएंगे गाइस कैसे भी करके। देखिए आप लोग यहाँ के चिड़िया का आवाज़ सुनिए, देखिए सुनाता हूँ आप लोग को, काफ़ी शानदार है। और अब तो चल गाइस धीरे धीरे मैं नीचे उतरता हुई हूँ। आज फाइनली मैं नीचे उतर चुका हूं, और मेरा दोस्त आने वाला है अभी यहां, तब तक उसका वेट कर लेता हूं। यहां से दूर ही है घर पे, पैदल जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा थक भी गए, दोस्त का इंतज़ार कर लेता हूं। अब आने वाला ही सामने ही नज़दीकी है, तो उसको वेट कर लेता हूं, वो आएगा तो उसके बाद उसके साथ चलूँगा। बस आने वाला ही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा आने में, वो आएगा तो फिर चलूँगा। तो फाइनली गाइस आ गया मेरा दोस्त, और बता। और सर मेरा भाई सुबह से मतलब आज चैलेंज करने आया था पहाड़ में, और शाम हो गया मतलब लगभग 7 बज ही गया, और भाई से अभी मिल रहा हूँ सुबह से, शाम को अच्छा लग रहा। फिर भाई मेरा किधर चल गया था, अच्छा लग तो गाइस यहाँ पूरा चैलेंज किया। अब देखिए मेरा गाड़ी आगे लेने के लिए भी आ चुका है, अब यहाँ से चलते हैं गाइस, शाम होने के चले, इस गाड़ी से आया अभी, फ़ोन करके बुलाया इनको तो फिर चलेंगे। तो फाइनली गाइस अभी रोड पे आ चुके हैं, देखिए बैग मेरा साथ में है, और अब शाम होने के भी होने चला है। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसा ही ब्लॉग के, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो ऐसा ही कैंपिंग वाला वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा मैं, कई कैंपिंग वाला वीडियो आप लोग को मिलेगा, एक से एक चैलेंज वाला वीडियो मिलेगा। तो आप लोग से यही उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। फिर ऐसा ही अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस, अच्छा व्यूज आया, तो मैं अगला नेक्स्ट पार्ट में, अगर नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर चैलेंज करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।